सांप का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। यह रेंगने वाले जीवों की एक ऐसी प्रजाति है जो चलती फिरती मौत के समान है। लेकिन जमीन में रेंगने वाला हर सांप जहरीला नहीं होता। सांप की कुछ प्रजातियां अपनी अलग खूबियों के लिए मशहूर हैं, जैसे धरती पर मौजूद कुछ खूबसूरत और आकर्षक सांप। आप कहेंगे कि भला क्या सांप भी खूबसूरत होते हैं? लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये खतरनाक जीव खूबसूरत भी होता है। तो चलिए जानते हैं सांप की खूबसूरत प्रजातियों के बारे में। नंबर वन, कोरल स्नेक। कोरल स्नेक एलिपिड सांपों का एक बड़ा ग्रुप है जिसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक ओल्ड वर्ल्ड कोरल स्नेक और दूसरा न्यू वर्ल्ड कोरल स्नेक। ओल्ड वर्ल्ड कोरल स्नेक की 16 प्रजातियां हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड कोरल स्नेक की 65 प्रजातियां पाई जाती हैं। काले शरीर पर लाल और पीले रंग के पैटर्न वाला ये सांप नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस प्रजाति के सांपों की लंबाई ज्यादातर छोटी होती है। एक वयस्क कोरल स्नेक की लंबाई लगभग 3 फीट होती है। हालांकि कुछ मामलों में 5 फीट लंबे सांप भी देखे जा सकते हैं। कोरल स्नेक स्वभाव से काफी मोड़ी होता है। ये अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे या पत्तियों के ढेर में बिताते हैं। सिर्फ बरसात के मौसम में ये सांप पूरी तरह से सतह पर आता है। कोरल स्नेक छोटे सांप, छिपकली, मेंढक, पक्षियों के अंडों को भोजन के रूप में खाता है। न्यू वर्ल्ड कोरल स्नेक का जहर काफी खतरनाक माना जाता है। इस प्रजाति के सांप ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। अमेरिका में हर साल 15 से 25 मामले कोरल सांप के काटने के होते हैं। इसके काटने से व्यक्ति को लकवा मार सकता है, इसलिए पीड़ित को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। नंबर टू, सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक। सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक नॉर्मल गार्टर स्नेक की बहुरंगी उपप्रजाति है। यह कैलिफोर्निया के तटीय इलाके सांता क्रूज में पाई जाती है। रिसर्च बताती है कि इस प्रजाति के वयस्क सांपों की संख्या लगभग 1 से 2 हजार है। सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक दलदली जगहों पर रहना पसंद करता है। यह इंसानों को धोखा देने में काफी माहिर होता है, इसलिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। एक वयस्क सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक की लंबाई 18 से 55 इंच तक होती है। इसके शरीर पर काले, लाल, नारंगी, नीले और हरे रंग की धारियां बनी होती हैं। इस प्रजाति के सांप की आंखें काफी बड़ी होती हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से खोज पाता है। सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक का जहर इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता। इसके काटने से शरीर में हल्की जलन पैदा होती है। इसे लाल पैर वाला मेंढक खाना बेहद पसंद होता है। नंबर थ्री, कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक। कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक को आमतौर पर गार्टर स्नेक के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत कनाडा के मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। गार्टर स्नेक की लंबाई 46 से 137 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। इस सांप की खासियत है कि ये फेरोमोनल संचार प्रणाली का इस्तेमाल करके गंध से दूसरे सांपों को ढूंढने में माहिर होता है। गार्टर स्नेक दूसरे सांपों की तरह मांसाहारी होता है और केंचुए, छिपकली और जलीय जीवों को खाकर जिंदा रहता है। गार्टर स्नेक देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगता है। इसका जहर इंसान के लिए खतरनाक नहीं होता। नंबर फोर, कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक सामान्य गार्टर स्नेक की उपप्रजाति है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ज्यादातर रेड साइडेड गार्टर स्नेक की त्वचा काले, लाल और नीली धारियों वाले पैटर्न में होती है। इसकी औसत लंबाई 55 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। अपनी रंगीन त्वचा के कारण यह सांप छिपकली, पक्षी और छोटे सांपों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से वह इसका शिकार आसानी से बन जाते हैं। रंगीन पेड़ पौधों के पीछे रेड साइडेड गार्टर स्नेक को ढूंढ पाना टेढ़ी खीर है। नंबर फाइव, कोस्ट गार्टर स्नेक। कोस्ट गार्टर स्नेक एक पतला सांप है जो रंगीन पैटर्न का होता है। आमतौर पर इसके शरीर पर पीछे की तरफ एक पीले रंग की पट्टी होती है जिसमें सफेद, पीले या लाल रंग की धारियां बनी होती हैं। ये देखने में काफी आकर्षक लगता है। कोस्ट गार्टर स्नेक की औसत लंबाई 45 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह घने जंगलों, झाड़ियों और पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। इस प्रजाति के सांप मछली, पक्षी, चूहे, छिपकली, छोटे सांप और दूसरे जानवरों के अंडे खाते हैं। तो ये थे वो खूबसूरत सांप जिन्हें आप प्रकृति की अद्भुत रचना भी कह सकते हैं। जिन सांपों से इंसान इतना डरता है, अगर वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक हों, तो क्या आप उनसे डरेंगे? हमें अपना जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।